हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी। ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। हाँ, तो हम बात करते हैं इनडिटरमिनेसी होता क्या है। ठीक है, इनडिटरमिनेसी होता यह है कि जब हम किसी भी स्ट्रक्चर को सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है वो सफिशिएंट नहीं है होती है उस स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए, कि उसमें जो एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस जो डेवलप हो रही हैं हम उनको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बन जाती है स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो हम पहले बात करते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती कौन सी हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है तीन, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एम जेड, जब हम 2D प्लेन की बात करेंगे। ठीक है, जब हम 2D प्लेन की बात करेंगे तो तीन इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, जबकि स्टैटिकली डिटरमिनेंट सिस्टम क्या होता है, स्टैटिकली डिटरमिनेंट सिस्टम वह सिस्टम होता है जिसमें हम सपोर्ट रिएक्शन और जो इंटरनल मेंबर फोर्सेस हैं वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जब कोई स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट बन जाती है तो या तो हम कुछ इंटरनल मेंबर्स या सपोर्ट को रिमूव करके या चेंज करके और स्ट्रक्चर की इक्विलिब्रियम कंडीशन को बिना सॉल्व बिना डिस्टर्ब किए अगर हटा दें तो वो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर डिटरमिनेट बन जाती है। तो वो जो एडिशनल सपोर्ट और मेंबर उनको क्या कहा जाएगा, रिडंडेंट। ठीक है, तो जो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होती है उसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ सपोर्ट्स होते हैं और इंटरनल मेंबर्स होते हैं जो उस स्ट्रक्चर की इक्विलिब्रियम को बनाए रखते हैं और थोड़ी देर में उसमें कोई रिडंडेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ सपोर्ट और इंटरनल मेंबर कम हो इक्विलिब्रियम कंडीशंस बनाने के लिए तो वो बन जाएगा अनस्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा अभी ये बता रहे हैं अब हम बात करेंगे डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। हमारे सिलेबस में स्टैटिक इनडिटरमिनेसी है, स्टैटिक इनडिटरमिनेसी में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सपोर्ट्स हैं। ठीक है, तो इनडिटरमिनेट सिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, नंबर ऑफ रिडंडेंट्स के हिसाब से। ठीक है, और ये नंबर ऑफ रिडंडेंट ही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। ठीक है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी होती है टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एक्सटर्नल माइनस एंड इंटरनल माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अवेलेबल। ठीक है, हम मानते हैं एक ट्रस में कि लेट m बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ट्रस सिस्टम एंड n बी द नंबर ऑफ पिन जॉइंट्स कनेक्टिंग दीज मेंबर्स, देयरफॉर देयर विल बी m नंबर ऑफ अननोन इंटरनल फोर्सेस एंड 2j नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जॉइंट इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ठीक है, तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकल जाती है m प्लस r माइनस 2j। ठीक है, ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी का कि m प्लस r माइनस 2j। m क्या है, हमारा नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, r क्या है, रिएक्शंस अवेलेबल, और j क्या है, जॉइंट। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में ये डिटरमिनेट ट्रस है, दो इसमें सपोर्ट्स लगे हुए हैं, एक है हिंज सपोर्ट, एक है रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में जैसे हमें पता है कि एक वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होती है, जबकि हिंज सपोर्ट में दो रिएक्शन डेवलप होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हमारे पास अवेलेबल रिएक्शंस कितनी है, तीन। ठीक है, एम कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, एक जी एक हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच। ठीक है, इस हिसाब से ये छह या सात या आठ, ये नौ, ये दस, ये ग्यारह, ये बारह, ये तेरह, फिर ये चौदह, पंद्रह, ये सोलह और ये सत्रह। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ मेंबर 17 हो गए। जॉइंट्स की बात करते हैं तो ये जो अलग से पीले डॉट्स हैं
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस जॉइंट्स है और रिएक्शंस तीन है आर, तो एम प्लस आर माइनस टू जे इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम। अभी दूसरा एग्जांपल है सेम है, बस इसमें एक हमने मेंबर एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ठीक है। तो मेंबर एक्स्ट्रा जोड़ते ये क्या स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो जाएगा एक मेंबर की वजह से, तो अगर ये मेंबर हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, ये स्टैटिकली वापस डिटरमिनेट हो जाएगा। अभी ये इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो मेंबर की वैल्यू बढ़ गई है, 17 से 18 चला गया, जॉइंट सेम है, रिएक्शन भी सेम है, तो एम प्लस आर, जो एम प्लस आर है ये आर, एम प्लस आर की वैल्यू बढ़ गई, तो ये प्लस वन इंडिटरमिनेट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ और चेंजेस किए, इसमें हमने क्या चेंजेस किए, इसमें हमने जो हिंज सपोर्ट था दोनों साइड हिंज सपोर्ट लगा दिया, तो चार रिएक्शन रिएक्शन डेवलप होने लगी एम प्लस आर माइनस टू जे, तो ये भी स्टैटिकली इंडिटरमिनेट हो गया इक्वल टू वन। ये एक्सटर्नली हो गया क्योंकि इसमें एम प्लस आर की वैल्यू टू जे माइनस टू जे की वैल्यू माइनस वन जा रही है, उसमें प्लस वन जा रही है। ठीक है, तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है ये एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक, दोनों तरह से होती है। ठीक है, तो टोटल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है वो एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के जोड़ के बराबर होती है। डीएस इक्वल टू डीएसई प्लस डीएसआई। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की। ठीक है, तो एक्सटर्नल में क्या होता है, ये सपोर्ट सिस्टम की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, R इज्वल टू आर माइनस आर अपॉन आर माइनस इंटू आर। आर क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कंपोनेंट्स, और स्मॉल आर है टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन अवेलेबल। तो 2D केस के लिए स्मॉल आर की वैल्यू होगी माइनस आर 3। ठीक है, तो DSE होगी आर माइनस 3। जब हम इंटरनल स्टैटिक डिटर्मिनेसी की बात करते हैं तो ये क्या शो करता है, ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है m माइनस टू जे माइनस आर। ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू होती है 3, तो DSI की वैल्यू होगी m ब्रैकेट में माइनस टू जे माइनस 3, अगर ब्रैकेट खोल देंगे तो आ जाएगा m माइनस टू जे प्लस 3। ये हो गया 2D पिन जॉइंटेड ट्रस के लिए। अब जैसे ये एक बेसिक सा है कि एक ये ट्राइंगल सा बना हुआ है, ट्राइंगल ही है, इसमें एक साइड हिंज सपोर्ट है और एक साइड रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर दो रिएक्शन आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन आने वाली है। अपना DSI फॉर्मूला है एम माइनस ब्रैकेट में टू जे माइनस 3, मेंबर दो हैं, जॉइंट भी कितने, 3, 1, 2 और 3, तो एम माइनस टू जे माइनस 3 की वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर इंटरनल इंडिटर्मिनेसी फॉर्मूला देखें कि m माइनस टू जे माइनस 3, m मेंबर अपने बढ़ा रखे हैं 19 है, जॉइंट वही 10 है, तो m की वैल्यू आ गई, DSI की वैल्यू आ गई तो इक्वल टू 2। अब स्टैटिक ये बीम के केस में क्या होगा, कि बीम क्या है, ओपन ट्री कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें कोई क्लोज लूप नहीं होता, इसलिए बीम के अंदर कभी भी इंटरनल इंडिटर्मिनेसी नहीं होती है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि बीम की इंटरनल इंडिटर्मिनेसी कितनी होती है, 0 हमेशा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ए पे हिंज सपोर्ट है, बी पे हिंज सपोर्ट है और सी पे रोलर सपोर्ट है, तो हमें इंटरनल डीएस निकालना है, डीएस मतलब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, इंटरनल तो 0 है तो हमें एक्सटर्नल निकालना है, तो एक्सटर्नल की डीएसई फॉर्मूला होता है आर माइनस आर होता है, तो आर स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 3, और जो कैपिटल आ रहा है यहाँ पे 2, 2, 4 और 1, 5। ठीक है, तो 5 - 3 इक्वल टू 2 हो गया, और जो ये लिंक है, लिंक की वजह से आर की वैल्यू आ रही है 2, तो डीएस की वैल्यू डीएसई माइनस आर 2 - 2 इक्वल टू 0। तो ये बीम है, ये स्टैटिकली इंटरनल और एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है।